नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। चीन के खिलाफ भारत ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिससे जिनपिंग की टेंशन बढ़ गई है। कट्टरपंथी पाकिस्तान भी परेशान है। आपको इस पर पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिर कब तक चीन वार करता और हम बचाव करते, कब तक चीन हमला करता और हम पलटवार करते। अब भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। भारत अब सीमा पर टेढ़ी नजर बर्दाश्त नहीं करने वाला। जो भारत से टकराएगा उसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलना तय है। बेहद खामोशी से हिंदुस्तान ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें चीन बुरी तरह से फंस गया है। बरसों से चीन भारत को घेरने के लिए स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स का विस्तार कर रहा है। चीन की इसी रणनीति के खिलाफ भारत ने ऐसी घेरेबंदी कर दी है कि चीन के पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंडो पैसिफिक में हिंद की हुंकार, ताइपे ट्रेलर से चीन में हाहाकार। ताइवान में हिंदुस्तान के त्रिमूर्ति बच गई चीन के खात्मे की घंटी। एक मंच पर भारत ताइवान, नई साझेदारी से ड्रैगन परेशान। स्प्रिंग ऑफ पल्स के खिलाफ घेराबंदी, फिलीपींस से ताइवान तक मोर्चा बंद। भारत के चक्रव्यूह में चीन, उड़ी जिनपिंग की नींद। ड्रैगन की दादागिरी नहीं चलेगी। चीन की रणनीति हमेशा से भारतीय इलाके में घुसपैठ करने की रही है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प भला कौन भूल सकता है, जब चीन की लाल सेना ने यही जुर्रत की थी। हर बार चीन यही चाल चलता है और हर बार पीछे हट जाता है, या फिर यूं कहे कि भारत के वीर सपूतों के पराक्रम से पीठ दिखाकर वो वापस चला जाता है और पिटकर वापस चला जाता है। दोबारा घुसपैठ की कोशिश ना हो इस पर बातचीत भी होती है, लेकिन ड्रैगन की रणनीति कभी नहीं बदलती। चीन ने हर बार अपनी बातों और वादों में वही पुरानी धोखेबाजी दिखाई है। इसलिए अब चीन के साथ बातचीत वाली नरमी का वक्त खत्म हो गया है। अब भारत ने चीन की उस दुखती रग पर चोट किया है जो जिनपिंग को सबसे ज्यादा चुभने वाली है। विस्तारवाद की सनक में डूबे चीन की अकड़ ढीली होने वाली है। टूटने वाला है जिनपिंग का गुरु। क्योंकि भारत ने चीन के खिलाफ चक्रव्यूह का दायरा उस छोर तक बढ़ा दिया है जिसके बाद चीन समंदर में छटपटाएगा, अकड़ दिखाएगा, लेकिन इस जाल से निकल नहीं पाएगा। दरअसल हर बार एलएसी पर शांति का वादा करके मुकर जाने वाले चीन के खिलाफ भारत ने चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत ने चीन की उस कमजोर नस को दबा दिया है जिससे चीन
परेशान हो उठा है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। तस्वीर में पूर्व आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल मुकुंद नरवणे, पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और पूर्व नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि ये तस्वीर भारत की नहीं ताइवान की राजधानी ताइपे की है। ये वो तस्वीर है जो चीन को परेशान करने वाली है क्योंकि भारतीय सेना के तीनों प्रमुख ताइवान यूं ही नहीं पहुंचे हैं बल्कि केटागलन फोरम की तरफ से आयोजित इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ये तस्वीर ऐसे वक्त में आई है जब एलएसी पर चीन के साथ तनातनी बनी हुई है तो दूसरी ओर चीन ताइवान को डराने का प्रयास कर रहा है। भारतीय सेना के तीनों विंग के पूर्व प्रमुखों की ताइपे में मौजूदगी ड्रैगन के लिए खतरे की घंटी बजा रही है क्योंकि ताइवान चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ताइवान के साथ चीन की दुश्मनी बरसों नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। यहां तक कि चीन ताइवान को एक देश के रूप में भी मान्यता नहीं देता। चीन ताइवान की जमीन को अपना हिस्सा बताता है, वहीं भारत के खिलाफ चीन की रणनीति दशकों से जग जाहिर है। ...2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प से लेकर अब तक एलएसी पर तनातनी बरकरार है। इस बीच कई बार चीन की आक्रामक नीति की तस्वीरें एलएसी से आ चुकी हैं। वहीं ताइवान के खिलाफ भी चीन सैन्य घेराबंदी कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के तीनों पूर्व सैन्य प्रमुखों का ताइपे में होना किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि तीनों पूर्व सैन्य अधिकारी ताइवान के साथ मिलकर किसी बड़े संकट से निपटने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही देश चीन की आक्रामक सैन्य नीति का सामना कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी हमारे जो पुराने तीन चीफ गए थे आर्मी एयरफोर्स नेवी के, वो दर्शाता है कि भारत और ताइवान के बीच के अंदर डिफेंस की भी बड़ी कोऑपरेशन हो रही है, हथियार बनाने की बात हो रही है। क्योंकि ये याद रखो जो ताइवान है माइक्रोचिप्स के लिए एक बहुत ही माना हुआ है क्योंकि ये सभी देश छोटे छोटे ये तंग हैं चीन की दादागिरी से। क्योंकि चीन जो है वो एक्सपेंशनिज्म एटीट्यूड करता है इंडो पैसिफिक के अंदर और वो एक प्रकार से छोटे देशों की बात नहीं सुनता। पूर्व आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे, पूर्व वायुसेना प्रमुख आरएस भदौरिया और पूर्व नेवी चीफ करमबीर सिंह की ताइवान में मौजूदगी इस बात का संकेत है कि अब भारत चीन की विस्तारवादी सनक को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। इंडो पैसिफिक रीजन में दबदबा कायम करने की चीन की मंशा जग जाहिर है। ऐसे में भारत ने साफ संदेश दिया है कि इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी नहीं चलने वाली। दशकों से स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए चीन भारत की घेराबंदी करने की कोशिश में है। अब चीन की साजिश वाली मोतियों की माला को तोड़ने के लिए भारत ने फिलीपींस से ताइवान तक मोर्चाबंदी तेज कर दी है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने फिलीपींस के साथ साझेदारी को मजबूत किया है। दोनों देश मानते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को आजाद और खुला होना चाहिए। भारत फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर समझौता हो चुका है। भारत ने वियतनाम को युद्धक पोत आईएनएस कृपा गिफ्ट किया है। खास बात यह है कि वियतनाम और फिलीपींस ये दोनों ही देश दक्षिण चीन सागर के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करते हैं जिस पर चीन अपना दावा जताता है
ऐसे में अगर भारत दक्षिण चीन सागर में मौजूद देशों के साथ साझेदारी मजबूत करता है तो चीन के लिए मुश्किल बननी तय है। भारत अपनी वन चाइना पॉलिसी पर पुनर्विचार कर सकता है और जाहिर है कि ताइवान की रक्षा करना विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए एक बेहद आवश्यक और अनिवार्य कदम होगा, क्योंकि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया तो ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन के अन्य क्षेत्रों पर भी चाइना इसी तरीके की आक्रामक कार्रवाइयां कर सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा चीन चौतरफा फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक ओर ताइवान और फिलीपींस, साथ ही वियतनाम जैसे देश हैं जो दशकों से चीन की दादागिरी का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर LAC पर चीन के अतिक्रमण का सामना कर रहा भारत। तीसरी ओर महाशक्ति अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं जिन्हें इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी बढ़ने पर व्यापार पर असर पड़ने का डर सता रहा है। अब चीन के सामने मुश्किल ये है कि ये सभी देश चीन के खिलाफ एक साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन व्यापार के नजरिए से बेहद अहम है। दुनिया का 80% व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। यानी अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी बढ़ती है या फिर अस्थिरता पैदा होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होगा। भूमिका क्या होगी, भारत किस तरीके से अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि भारत की तिजारत बहुत है, भारत भी ताइवान से तिजारत करता है, चीन से भी तिजारत करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत कहेगा कि जाके लड़ो, ये सब तभी पूरा होगा जब आप सिक्योर होगे। अगर चाइना आपकी सिक्योरिटी के ऊपर हमला कर रहा है तो सब कंट्रीज को मिलके इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और वही हो रहा है ताइपाई में जहां पे हमारे तीन चीफ्स गए हुए। यही वो तमाम वजहें हैं जो ड्रैगन के खिलाफ भारत की मोर्चाबंदी को कहीं ज्यादा मजबूत बना रही है और ताकत के नशे में चूर जिनपिंग के चीन को संदेश दे रहे हैं कि अब उसकी दादागिरी नहीं चलने वाली। भारत की रणनीति चीन की घेरेबंदी तक ही सीमित नहीं है, तैयारी इससे आगे की है। हिंदुस्तान ने युद्ध के मैदान में दुश्मन को घुटने पर लाने की तैयारी तेज कर दी है। सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान और हथियारों को शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में इजराइल में बना हेरॉन मार्क II ड्रोन, उसको वायुसेना का हिस्सा बनाया गया है। हेरॉन के हौसले ने चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा दिए। सन्नाटे को चीरती आवाज और आसमान में हेरॉन मार्क II की परवाज दुश्मन के दिल में दहशत पैदा कर रही है। पाकिस्तान की नींद उड़ गई है तो ड्रैगन दहल गया है, क्योंकि पल भर में आसमान की ऊंचाई को छूने वाला ये वो गेम चेंजर हथियार है जो महज कुछ सेकंड में चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को बर्बाद कर देगा, फिर दुश्मन के परखच्चे उड़ा देगा, फिर दुश्मन सरहद से दूर इस्लामाबाद में हो या फिर चीन की राजधानी बीजिंग में। कि हेरॉन मार्क II ड्रोन एक ही बार में पाकिस्तान और चीन से लगने वाली सीमा का चक्कर लगा सकता है। हेरॉन मार्क II की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इससे ना सिर्फ दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है बल्कि जरूरत पड़ने पर मिसाइल भी दागी जा सकती है।
हेरॉन मार्क टू ड्रोन का निर्माण इसराइल में किया गया है, जिसे अब भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। हेरॉन मार्क टू ड्रोन के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि इस्लामाबाद और बीजिंग हेरॉन मार्क टू की पहुंच से दूर नहीं है। हेरॉन मार्क टू इज अ वेरी कैपेबल ड्रोन। दिस इज कैपेबल ऑफ लॉन्गर एंड्योरेंस एंड बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कैपेबिलिटी। विद दिस इंटायर कंट्री कैन बी सर्वेल्ड फ्रॉम द सेम प्लेस। Also, longer endurance will ensure that multiple missions can be flown and multiple sectors can be addressed from in one mission itself. And it seamlessly amalgamates into the entire ISR matrix of, that is intelligence, surveillance and reconnaissance matrix of Indian Air Force. Heron Mark II drone kai badi khubiyon se less hai. ड्रोन एक बार में 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ड्रोन एयरबोर्न सर्विलांस विजिबल लाइट थर्मोग्राफिक कैमरा से ये लैस है। हेरॉन मार्क टू अपने साथ लेजर गाइडेड बम और मिसाइलें ले जा सकता है। ये ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दाग सकता है, हवा से जमीन और हवा से हवा में भी मार करने में सक्षम है। पहली बने इस ड्रोन की खूबी जो इसे घातक ड्रोन बनाती है वो है ये हेरॉन मार्क टू किसी भी मौसम में काम कर सकता है। और अब बात करेंगे जिन्ना लैंड की डरावनी शक्ल। क्या जेल में जाएगा, हो जाएगा इमरान खान का कत्ल? इमरान खान पाकिस्तान की अटक जेल में कैद। यह जेल कैदियों की कब्रगाह मानी जाती है। यहां जो आता है उसका गेम ओवर हो जाता है। यहां खूंखार कैदियों को रखा जाता है और फिर उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है। अब इमरान खान के करीबियों को उनकी जान का डर सता रहा है, क्योंकि जिन्ना लैंड तख्ता पलट और नेताओं को जेल में डालने और कईयों को फांसी पर लटका देने का इतिहास रहा है वहां का। जिन्ना लैंड की डरावनी शक्ल, जेल में होगा इमरान का कत्ल। अटक में अटकी जान, कैप्टन की मौत का फरमान। इमरान की जिंदगी पर सबसे बड़ा ताला, जान की अमान या देश निकाला। बुशरा बीबी का तंत्र मंत्र बचाएगा या पाकिस्तान इतिहास दोहराएगा। जेल में मिनट मिनट मौत, पीटीआई क्यों हुई मौत? कट्टरपंथ मुल्क की जहरीली सोच, कैसे ठीक होगा लाइलाज रोग? सेना का तख्ता पलट प्लान, पाकिस्तान की बर्बादी का ऐलान। पाकिस्तान की अटक जेल इमरान खान को नरक की याद दिला रही है, जहां जान का खतरा तो है ही, मच्छर और खटमल भी इतने ज्यादा हैं कि इमरान मिनट मिनट मर रहे हैं। इमरान को लग रहा है कि उनकी जान अब बस एक ही चीज बचा सकती है और वो है जेल की बदली हुई तस्वीर। लेकिन इसकी उम्मीद भी कभी नजर आ रही है, क्योंकि इमरान के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल बदली की गुहार लगाई है कि उनका जेल जो है उनकी जेल बदल दी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इमरान का जेल में गेम ओवर हो जाएगा? न
गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर। इमरान खान को सजा तो 3 साल की हुई है, लेकिन फिक्र जान की सता रही है। कोई इमरान को जहर देकर मारने का शक जता रहा है, तो कोई फांसी वाले फरमान की भविष्यवाणी कर रहा है। उनकी वाइफ की तरफ से ये बकायदा तौर पर हदायत है हमें कि आप जो है ये दें कि जो स्लो पॉइजनिंग है वो उस प्रोसेस के जरिए से उनकी जान को खतरा है। और हर घटता घटनाक्रम इमरान और उनके चाहने वालों की टेंशन बढ़ा रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि कहीं जेल में इमरान को कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि जिस अटक जेल में इमरान बंद है उसे कैदियों की कब्रगाह कहा जाता है, जहां सी क्लास की बैरक 2x1 में इमरान को जानवरों की तरह रखा गया है। पाकिस्तान की अटक जेल का बदनाम इतिहास है। यहां सजा पाने वाले आतंकवादियों को रखा जाता है और फिर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि इमरान के करीबी और चाहने वालों को उनकी जान की फिक्र सता रही है और हर आने वाली आहट नई घबराहट पैदा कर रही है। खान साहब ने खुद कहा है कि मुझे जेल से निकालो, और कहा है जी कि मुझे एक क्लास में रखो, इसके लिए तुम दरख्वास्त दो, और मैं बड़ा तंग हूँ, मुझे बड़ी अजीज में रखा हुआ है और मैं नहीं रह पा रहा, तो मुझे ले जाओ। जब क्रिकेट के मैदान को छोड़ इमरान ने सियासत का दामन थामा होगा, तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हश्र होने वाला है। क्योंकि अटक जेल में इमरान इस वक्त मिनट मिनट मर रहे हैं। जेल की सेल में कीड़े और खटमल सेकंड सेकंड इमरान का खून पी रहे हैं। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है, जब से आप अरेस्ट हुए हैं तो किस हालत में आपको रखा गया है? उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहां पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं, ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। इमरान की अब बस एक ही पुकार है कि कैसे भी उन्हें अटक के नरक से निकाला जाए, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। उनके वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल बदली की अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने तुरंत फैसला सुनाने की जगह फैसले को सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट से इमरान खान के वकील ने मांग की थी कि उन्हें अटक जेल से अदारिया जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर उन्हें सी कैटेगरी से ए कैटेगरी में भेज दिया जाए। ए क्लास के लिए इस्तदा की गई है, जज साहब ने ऑर्डर वो रिजर्व कर लिया, लेकिन ए क्लास के हवाले से उन्होंने कहा है कि इस मैटर को कल के लिए एडजर्न किया जाता है। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन की बात की गई। दरअसल ए कैटेगरी में आने के बाद इमरान न सिर्फ अपने लोगों से मिल सकते हैं, बल्कि अपनी मनपसंद का खाना भी खा सकते हैं। सवाल बड़ा है, क्या इमरान को राहत मिलेगी? क्योंकि इमरान अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। गिफ्ट की चोरी में 3 साल की सजा, 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य, पीटीआई की कप्तानी, सब कुछ छिन चुका है। बस अब जान ही बची है, जो बची रहेगी उस पर भी सवाल खड़ा हो गया है। इधर इमरान की उम्मीद भी टूटने लगी है, क्योंकि जेल जाने से पहले इमरान ने अपने समर्थकों से सड़क पर आने की अपील की थी। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है, कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूँ, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। इमरान को लगा था कि समर्थक आएंगे तो दबाव बनेगा। समर्थक सड़क पर तो आए, लेकिन उतनी संख्या में नहीं आए जितना पिछली बार आए थे। उधर पीटीआई के नेता शाह महमूद कुरैशी लगातार लोगों से सड़कों पर आने की अपील कर रहे हैं, जो अपील कम और उसकी रस्म अदायगी ज्यादा लगती है।
अजीम पाकिस्तानियों, आज आपको अपने घरों से निकलना होगा अपने अजीम कायद इमरान खान के लिए, जो आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। आज घर कोई ना बैठे, आज अगर आप पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ मायल करना चाहते हैं और एक नए पाकिस्तान की दाग बेल डालना चाहते हैं, तो निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ, और इजहार यकजहती कीजिए इमरान खान के साथ। अब सवाल बड़ा है, क्या पीटीआई से इमरान का कंट्रोल खत्म हो गया है, या फिर इमरान की बुशरा बीबी का तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा? क्योंकि दो दिन पहले बुशरा बीबी जेल में इमरान से मिलने आई थी, जहां दोनों के बीच आधे घंटे तक बात हुई थी। बाद में बुशरा ने कहा था सब ठीक है, लेकिन बुशरा के चेहरे की टेंशन कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। मानो इमरान का चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में वही होता है जो सेना को मंजूर होता है। दरअसल पाकिस्तान में सेना का इतिहास सत्ता में रहने या फिर सत्ता में अपनी पसंद के शख्स को बनाए रखने का रहा है। उसे अपने मामले में किसी की दखलअंदाजी पसंद नहीं। पाकिस्तान में जिसने भी सेना को आंख दिखाई, उसका तख्ता पलट कर दिया गया, जेल भेज दिया गया या फिर फांसी पर लटका दिया गया। ऐसी तारीखों से पाकिस्तान का इतिहास भरा है। लेकिन मौजूदा सच ये है कि अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहा एक और शख्स जेल में है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेल में ही इमरान का दी एंड हो जाएगा। एक बड़ी खबर जान लीजिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फट गया है। बादल फटने से भारी तबाही आई हुई है, सड़कों पर मलबा आ गया है, घरों को नुकसान पहुंचा है। ये उसी की तस्वीर है, देखिए कैसे बड़ी बड़ी कारें मलबे में बहती हुई नजर आएंगी आपको। इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बिजली नहीं है क्योंकि एहतियातन ट्रांसफार्मर्स बंद पड़े हुए हैं। लगातार बारिश के बाद बादल फटने से ये जो हादसा हुआ है, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये डराने वाली है। तबाही का मंजर दिख रहा है हिमाचल प्रदेश का मंडी, और वहां पर कैसे बादल फटने से लगातार बारिश हुई, लगातार बारिश और बादल फटने से जो तबाही है वो हमने आपको दिखाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।